ला दे। जी माँ जी। ओ काली माई, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? मैंने तुम्हें पहले ही बोला ना कि मुझे तुम्हारे हाथ से हलवा हलवा नहीं खाना है, अपना हलवा खुद ही खाओ। ऐसे नहीं बोलते, खा ले। आप कहती हैं तो खा लेती हूँ। ला दे काली माई, पता नहीं क्या क्या मिला के लाई होगी। जो टेस्ट मेरे हाथ में आता है वो टेस्ट तो नहीं है बहुरिया। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है, मैं नहीं खा रही हूँ। ले तेरा नेग, ज्यादा खुश मत हो, शकल अच्छी नहीं है, कम से कम खाना तो अच्छा बनाया कर। अब यहाँ खड़े होके हमारा मुंह मत देख, जा जाके बहुत सारा काम पड़ा है, सारा काम कर किचन का। अभी इस घर में आए हुए मुझे 3 दिन भी नहीं हुआ और ये घर वालों के ताने मैंने इतने सुन लिए कि लगता है जिंदगी भर के लिए पेट भर गया, तो ये हलवा क्या खाऊंगी। 3 दिन से माँ से बात नहीं हुई है, माँ से बात कर लेती हूँ। हेलो माँ। हाँ माँ, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। माँ आप कैसी हैं? देवरानी जी, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं दीदी, वो मैं माँ से बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, फ्री हो जाओ तो आती हूँ, बैठ के बातें करेंगे। ठीक है दीदी। ओ काली माई, ये कॉल पे किससे इश्कबाजी चल रही है? नहीं ननन जी, कैसी बात कर रही हो, मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी। अरे वाह, काली माई जरूर इस घर की चुगली कर रही होगी। नहीं ननन जी, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, वो 3 दिन से बात नहीं हुई ना माँ से, तो मैं बस हालचाल ले रही थी। ओ काली माई, ठीक है अपना फोन लाओ। पर ये तो मेरा फोन है। यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, चुपचाप अपना फोन लाओ। जी ननन जी। ये बड़ी फोन चलाएंगी। अरे बहुरिया, ये तेरे हाथ में क्या हुआ? काम न करना पड़े इसलिए बहाने मार रही है। वो माँ जी, ये वो क्या कर रही है, मैं अच्छे से जानती हूँ सब। कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ी सी चोट लग गई थी। कहीं घर का काम न करना पड़े इसलिए नौटंकी तो नहीं कर रही है? आए 4 दिन नहीं हुआ, नौटंकी दिखाना शुरू कर दी। सुनिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वैसे मैं तुझसे बात तो नहीं करना चाहता, पर तेरे माँ बाप ने जो मुझे 10 लाख रुपए दिए ना, तो तेरी सुननी पड़ेगी। आपके घर वालों को तो पता था ना कि मैं काली हूँ, उसके बावजूद भी आपने मुझसे शादी की। लेकिन आपकी मम्मी और आपकी बहन मुझे काली काली कह के हर वक्त मुझे नीचे क्यों दिखाते रहते हैं? देखिए, ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जैसी काली को काली नहीं बोलेंगे तो क्या हुड़की परी बोलेंगे? इसका जवाब देना हुआ तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन ये सब मेरे संस्कारों में नहीं। लोग सही कहते हैं कि अगर ससुराल बुरा हो तो लड़की फिर भी जिंदगी गुजार सकती है, लेकिन अगर पति अच्छा ना हो तो ससुराल जहन्नुम बन जाता है। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दुख रहा है। मम्मी, इस काली ने तो मुझे शगुन नहीं दिया, क्या शगुन चाहिए था तुझे? हाँ मम्मी, मेरी फ्रेंड कह रही थी कि नई भाभी आती है तो ननन को शगुन मिलता है, तो जा मांग ले। मुझे नहीं लगता मम्मी कि ये काली कुछ देगी। ऐसे कैसे नहीं देगी, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। हाँ भाभी, मुझे शगुन चाहिए। हाँ बोलिए ना ननन जी, आपको क्या चाहिए? आपके गले की ये चैन चाहिए। वो ननन जी, ये मेरी माँ का चैन है, इसे मैं कैसे दे सकती हूँ? देखो, बहाने मत बनाओ, देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। क्यों नहीं देगी भला? चल बहू, तुरंत चैन निकाल के दे इसे तो। मेरी बेटी आज तक जो भी मांगी है हम लोग तुरंत लाकर उसे दिए हैं, कभी निराश नहीं किए हैं। जी माँ जी, हम लोग इसकी कोई बात टालते नहीं है, तो तू कौन होती है इसको उदास करने वाली? मम्मी मुझे चैन के साथ साथ ये काली के झुमके भी चाहिए। अरे रुक जा, झुमके भी दे देगी वो। बिटिया अब खुश हो गई ना, मिल गई तेरी मनपसंद की चीजें, जो तुझे चाहिए था वो मिल गया। देखा, हम तो कही रहते कि ये काली दे देगी, बहुत पैसे वाली है। थैंक यू काली, चल अब बाहर आ जा।